देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज अजमेर में रन फॉर यूनिट का आयोजन किया गया। अजमेर के पटेल मैदान से जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने रन फॉर यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में विभिन्न विभागों के 450 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अजमेर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने सभी सरकारी कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ दिलवाई। आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 144वीं जन्मतिथि है और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज बलिदान दिवस भी है और उसके उपलक्ष्य में आज पटेल स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के याद में आज ये शपथ एकता का शपथ दिलाया गया है। करीब यहाँ 400 से ज़्यादा हमारे सभी प्रतिभागी इसमें थे, विभिन्न विभागों से हाड़ी रानी बटालियन, पुलिस और सभी DLOs यहाँ पे उपस्थित थे और इसी के क्रम में आज दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें कि शाम में मार्च पास्ट का आयोजन है। शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और संदेश यही देने का है कि हमारा देश जो है अखंड रहे, एक रहे और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की जो बलिदान थी, जो एक देश को अखंड रखने के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया था, उसको सभी लोग स्मरण करें और अपने देश में शांति हो और लोगों में भाईचारा कायम हो।